इस पाठ का दूसरा जो भाग है वो प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या है? प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में। देखो प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, अय का यानी चलने वाला, इसके अर्थ पीछे चलने वाला, मूल शब्द के पीछे चलने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। जैसे दया, ये मूल शब्द है उसका, उन्होंने दयालु बनाया। जैसे दूध, ये मूल शब्द है उसके पीछे लगाया उन्हें दूध वाला। सुंदर, सुंदरता। चतुर, चतुराई। आई, ता, वाला, ये उन्होंने प्रत्यय शब्द लगाए हैं। तो प्रत्ययों का अपना कुछ भी अर्थ नहीं होता है, न ही इनका स्वतंत्र रूप से कहीं प्रयोग होता है। और प्रत्यय के दो भेद होते हैं। जैसे यहाँ प्रत्यय की परिभाषा हम देखेंगे कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय के दो भेद हैं, पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो पहला है कृत, यानी वे प्रत्यय जो शब्द में जुड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो शब्द में जोड़े जाते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदांत शब्द कहलाते हैं। जैसे लेख प्लस अक, लेखक, यहाँ अक कृत प्रत्यय है और लेखक कृदंत, यानी जो ये मूल शब्द को अगर प्रत्यय जोड़ा जाए और उससे एक नया शब्द बने वो कृदांत कहलाते हैं, और जो शब्द जुड़ने वाला है उसे क्या कहते हैं? कृत। जैसे अक, लेखक, पाठक, कारक, गायक, अन का पालन, सहन, नयन, चरण, अना का घटना, तुलना, वंदना, वेदना, अनिय का माननीय, रमणीय, दर्शनीय, पूजनीय और श्रवणीय, ये सारे शब्द बन जाते हैं। जैसे आपकी किताब में दिए आ, यानी छात्रा, बाला, ताला, अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, गर यानी जादूगर, बाजीगर, का चित्रकला, कलाकार, मूर्तिकार, इस प्रकार से ये शब्द कृत प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तद्धित। अभी तद्धित शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेष एवं अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित कहते हैं। तद्धित शब्द, जैसे वे प्रत्यय जो धातु को जोड़कर अन्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जोड़े जाते हैं उसे तद्धित कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। जैसे सेठ, ये संज्ञा शब्द है और उसके बाद उन्होंने आनी लगाया है, सेठानी, इस प्रकार से। आई यानी पछताना, पछताई, जगना, जगा, जगाई, आईन पंडिताइन, ठकुराइन, आई पंडिताई, ठकुराई, लड़ाई, चतुराई, चौड़ाई, आनी का सेठानी, नौकरानी और मथानी, आयत का बहुतायत, पंचायत, अपनायत, तो इस प्रकार से ये तद्धित प्रत्यय है। और उपसर्ग प्रत्यय दोनों की शब्द, दोनों ही शब्दांश होते हैं, दोनों ही स्वतंत्र रूप में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु फिर भी दोनों में अंतर है। उपसर्ग शब्द के पूर्व लगाए जाते हैं जबकि प्रत्यय शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग और प्रत्यय शब्द है। तो इस प्रकार से ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।